एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, उसमें मैं बताऊंगी कि मैं अकेले ही 1500 मुर्गियों को कैसे संभालती हूँ। इनका देख रेख करना, इसको टाइम टाइम पर खाना देना, पानी देना, इन सारे चीज़ों का मैं साथ में ख्याल कैसे रखती हूँ। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो उसमें आपको जो है बहुत नुकसान भी कर जाती है। तो इसीलिए आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों को भी ये वीडियो देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब समझ में आएगा कि किस तरह से करना चाहिए एकदम टाइम टू टाइम, कि हमसे कोई गलती ना हो, नुकसान ना हो। गलतियां करके ही इंसान सीखता है, लेकिन फिर भी अगर सिखाने वाला कोई मिल जाए तो गलतियां क्यों करें, है ना। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी आगे ये बात पता चले। वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं 1500 मुर्गियों का देखभाल अकेले ही करती हूँ। कैसे करती हूँ? तो सबसे जो पहला काम होता है सुबह जब हम लोग सो के उठते हैं, तो उसके बाद तो देखिए मेरा सिर्फ यही काम तो नहीं है, घर का भी काम है। तो थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी अपना टाइम को मतलब एक रूटीन सेट करना होता है, और उस हिसाब से ही हमें काम करना होता है। अगर थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया तो टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो काम है वो है कि रूटीन, एक रूटीन बना ले और उस हिसाब से काम करे, ताकि कोई गलती ना होगी। और रही बात दूसरी कि जब हम सुबह में आके और इन लोगों को खोलते हैं ना, फ्री रेंज वाले इस एरिया में, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा एरिया है ये काफ़ी बड़ा एरिया है, और यहाँ पे हम मुर्गियों को फ्री रेंज में पालते हैं। तो फ्री रेंज का मतलब ये नहीं है कि हम इन लोगों को खाना पीना नहीं देते हैं, खाना पीना पूरा देते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि जहाँ पे देखोगे, क्या आप सबको पता ही होगा कि जहाँ पे हम मुर्गियाँ रखते हैं या फिर जहाँ पे ये लोग चरती हैं, तो उस जगह को ये लोग इतना प्लेन और इतना क्लीन कर देती है ना कि वहाँ पे कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी नहीं है, घास फूस भी नहीं निकलेगा, क्योंकि निकलने से पहले ही ये लोग खा लेती हैं। तो इसीलिए खाना पीना तो इन लोगों को देना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे कि बाहर का जो ये खुला एरिया है, तो यहाँ पर अगर दीजिएगा ना, तो थोड़ा सा इन लोगों का जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा जो है बढ़ जाती है। ये लोग बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, अपना एक्सरसाइज भी करते हैं, खाते हैं, और जो भी गंदगी करते हैं वो बाहर ही करते हैं, फार्म के अंदर नहीं करते हैं। और जो खिलाने की जो बात है, तो सबसे पहले हम इनको सुबह में पानी देते हैं। पानी क्यों देते हैं वो मैं बता देती हूँ। जब ये लोग बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हम रात में भी इनका ड्रिंकर फीडर दोनों ही भरा हुआ ही रखते हैं, कभी खाली नहीं करते। लेकिन जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तब हम इसको रात को एक बार पानी पिला देते हैं। उसके बाद इनकी जगह से पानी का जो ड्रिंकर है उसको हम हटा देते हैं, ताकि ये लोग भीगे ना, क्योंकि काफ़ी बड़े हो गए हैं ना, तो ये लोग जो है ड्रिंकर को पलट देते हैं, और फिर पानी अगर गिर गया तो उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है भीगने से। तो इसीलिए सुबह में सबसे पहले ड्रिंकर फीडर दोनों को ही साफ करना होता है, सब साफ पानी से धोना होता है, और उसके बाद इसमें पानी भरते हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर ड्रिंकर लगा हुआ है। तो जब ये लोग बड़े हो जाते हैं ना, तब हम इस बड़े ड्रिंकर में पानी देते हैं। जब ये छोटे रहते हैं तो छोटा वाला में देते हैं, जो 3 लीटर वाला आता है उसमें। तो वो भी मेरे फार्म के अंदर रखा हुआ है, मैं यहाँ पर लेके नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर बड़े मुर्गियाँ हैं, तो यहाँ पर बड़ा साइज का है। और देख सकते हैं कि पानी इसमें तो ख़त्म कर दिया है, उसमें आधा आधा है अभी। तो यहाँ पे 4 ड्रिंकर हमने रखा हुआ है, और चारों में 3 से 4 बार हम पूरा दिन में पानी देते हैं, ये लोग सब ख़त्म कर देते हैं। और अभी जो फीडर की बात अगर मैं करूँ, तो चलिए अभी उधर दिखाती हूँ कि हम फ्री रेंज में खाना इन लोगों को कैसे देते हैं। तो यहाँ पे तेरे करीब ये सब हमने बनाया जब था, तभी हमने वीडियो में डाला हुआ था कि ये सब क्यों बना रहे हैं। तो जैसा कि फीडर, ड्रिंकर फीडर इन सब में अगर देते हैं ना, तो सारे मुर्गियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और एक दो दबा के भी मर जाती हैं। तो इसीलिए हमने इस तरह का जो है इनका खाने का व्यवस्था किया है, ताकि इसमें क्या होता है, दोनों साइड से ये लोग खाना खा लेती हैं।
उधर से आधा, इधर से आधा, ऐसे करके वहाँ पे हमने लगाया, वहाँ पे लगाया, उधर भी लगाया, ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो खाने में। और हम लोग खाना भी 3 टाइम देते हैं, सुबह में देते हैं, जब इन लोगों को निकालते हैं उससे पहले ही हम यहाँ पे खाना डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, उसके बाद इन लोगों को खोलते हैं, फिर ये लोग खा के एकदम से मस्त हो जाती हैं। उसके बाद हम इसको दोपहर में फिर खाना एक बार देते हैं, और दोपहर के बीच में ना हम एक बार इसको पानी देते हैं। और उसके पहले जो क्या होता है कि सुबह का जो खाना होता है और दोपहर का खाना, उसके बीच में देखिए यहाँ पे अजोला रखा हुआ है, देखिए। तो ये जो अजोला है ना, यह इसको हम लोग ना मतलब हम दिन में 2 बारी तो 2 बोरा दे ही देते हैं। और एक देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, सुबह पूरा में 1 बोरा छीट देते हैं, ताकि जिसका मन हो जब मन हो ये लोग खाते रहें। ये फ्री रेंज का खाना है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया, ये फ्री में नहीं मिलता है, जहाँ पे ये अवेलेबल है वहाँ पे फ्री है, वरना इसको ख़रीदना पड़ता है। इसके बारे में मैंने एक पूरा जो है वीडियो बना के बताया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा कि ये कहाँ मिलता है, कैसा होता है, सारा कुछ जो है। तो ये हो गया हमारा फ्री रेंज का। उसके बाद ये हो गया जो हम दाना देते हैं वो, और उसके बाद शाम को एक बार फिर हम इसी में खाना दे देते हैं। उसके बाद ये सब जो खाना है ये लोग खा लेती है, पानी पी लेती है, फिर इसको अंदर कर देते हैं फार्म के अंदर। ये अभी का हमारा रूटीन चल रहा है इस तरह का, क्योंकि अंदर जो है खाना नहीं देती हूँ, बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाता है, वो लोग बहुत भागा दौड़ी करते हैं, इस वजह से इन लोगों को बाहर ही खाना खिला के फिर अंदर करती हूँ। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर फार्मिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।